गाइस ये है हमारा वाटर विला, चलिए देखते हैं कैसा है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो हम हैं मालदीव। से मैं मालदीव की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मतलब जितना भी दिन यहाँ पे स्पेंड करूँगा उसके मल्टीपल ब्लॉग्स आएंगे। तो आज है पहला दिन, हम लोग जस्ट अभी एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे दुबई से यहाँ पे आने के लिए, तो बैगेज का वेट कर रहे हैं। इमिग्रेशन के बारे में कुछ बताना था, तो अगर आप इंडियन हो तो इंडियंस के लिए यहाँ पे वीज़ा, मतलब वीज़ा ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, डायरेक्ट आ सकते। इट्स लाइक यू आर एंटरिंग इंडिया अगेन, मतलब जस्ट स्टैम्प देते हैं और एक फॉर्म रहता है मालदीव गवर्नमेंट का, वो पहले 5 दिन पहले भरना रहता है। देन यहाँ पे आने के बाद सिर्फ स्टैम्पिंग होता है, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं, या सीधा पासपोर्ट स्टैम्प करो और एंट्री। तो बट ये कितने दिन तक वैलिड रहता है, तो जैसा कि मैंने इंफॉर्मेशन निकाली, अगर आप इंडियन और रशियन हो तो यहाँ पे अप टू 90 डेज तक बिना वीज़ा के रह सकते हो, ठीक है। तो चलिए बैगेज का वेट कर रहा हूँ, बैगेज आने के बाद बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। और हमारे रिसोर्ट का ट्रांसपोर्ट भी अरेंज किया था, तो वो भी चेक करना है कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे, तो देखते हैं फिर। तो ये देखो, ये टूरिस्ट वाला सिम फ्री में मिलता है, जस्ट आपको पासपोर्ट स्वाइप करना है ये वाली मशीन पे, जैसे ही एग्जिट करोगे वहाँ पे। तो जैसे ही आप बाहर आओगे यहाँ पे बहुत सारे रिसॉर्ट के लोग खड़े रहेंगे, तो देखना है कि अपना वाला कौन सा है, या फिर खुद जाके उनके चेक इन काउंटर्स रहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर भी हम लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो गेस कर रहे हैं कि रहेंगे या लोग या हमको चेक इन करने जाना पड़ेगा उनके काउंटर पे। Let's see. तो जैसा कि आपने देखा, वो जो काउंटर था वो हमारे वाले रिसोर्ट का था, हमें जाना है। मैं पहले तो बोला 8:45 AM को बोट है जाने के लिए, तब तक आप फूड कोर्ट में रुक सकते हो। डेली ऐसा खा रहे थे, तभी बीच में आ गया कि बोट आ गई है, तो ये निकल सकते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे स्पीड बोट में रिसोर्ट तक। वो बंदा देखो, मीरू मालदीव करके रिसोर्ट का नाम, तो उसका बोर्ड लेके फॉलो करने बोलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक रिसोर्ट की अलग अलग स्पीड बोट है, जो कि ऐसे लाइन से पार्क की हुई है। तो ये है हमारी स्पीड बोट, आई थिंक हाँ यही है मीरू। तो यहाँ पे लगेज वगैरह वो जमा करेंगे और फिर यहाँ से सफ़र स्टार्ट होगा। Something at the edge of space, calling us to fly.
यहाँ पे आने के बाद वेलकम ड्रिंक, जैसे आप रिसोर्ट में एंट्री करते हो आपको ये वेलकम ड्रिंक और एक ये नैपकिन दिया जाता है। डिहाइड्रेशन बहुत होता है क्योंकि पूरा समंदर का एरिया है। अगर आप मालदीव आ रहे हो तो यहाँ के होटल का चेक इन टाइम जो होता है वो दोपहर के 2 बजे का होता है, तो उस अकॉर्डिंग प्लान करना। हालांकि मुझे पता था कि हमारा भी चेक इन टाइम 2 बजे का है, बट फ्लाइट जो थी वो रात की थी, तो रात का समय वेस्ट ना हो जाए इसके लिए रात की फ़्लाइट सिलेक्ट की, ताकि सुबह सुबह पहुँचे, ब्रेकफास्ट करके होटल पर आएंगे, तो ऐसा प्लान था। इसके लिए अभी तो उन्होंने बोला कि चेक इन टाइम 2 बजे है और रूम भी रेडी नहीं है, तो अर्ली चेक इन भी नहीं करने देंगे, तो वेट कर रहे हैं हम लोग। रूम का चेक इन तो 2 बजे ही मिलेगा। सो चेक इन होने तक हमने खाना खा लिया, तो एक्चुअली खाना इतना सारा, बहुत सारे आइटम थे, तो मैं वीडियो निकालना ही भूल गया, और पहला ही दिन था तो थक गया था, तो सोचा बाद में निकालो। तो अभी रूम का चेक इन मिल गया, तो हम लोग अभी जा रहे हैं रूम पे। तो अभी ये बग्गी मिली है, तो बग्गी से जाएंगे क्योंकि हमारा वाटर विला यहाँ से थोड़ा सा दूर है। बस चलने का बहुत कंटाला आया था, तो इसके लिए बग्गी ले ली। एंड सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे वाटर विला पे। तो आप देख सकते हो पानी कितना क्लियर है, यहाँ से भी दिख रहा है और आगे जाने पे और क्लियर दिखेगा। और ये चीज़ मैप में मैंने देखा, ये स्पा के लिए उन्होंने ऐसे लगूंस बनाए हैं, तो यहाँ पे स्पा करना है तो ऑप्शन है, बट आई थिंक इट्स पेड। सो देखते हैं क्या है। ये है जकूजी वाटर विला ऑफ मीरू आइलैंड। गाइस ये है हमारा वाटर विला, चलिए देखते हैं कैसा है। यहाँ से एंट्री करने के बाद ओके, यहाँ पे एक छोटा सा किचन सेटअप बोल सकते हैं, किचन सेटअप दिया है। देन ये शायद यहाँ से बोल सकते हैं मिनी फ्रिज है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने, बट ये सब पेड़ है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। डू नॉट डिस्टर्ब, तो अगर आपको कोई सर्विस नहीं चाहिए लोग की, या फिर डिस्टर्ब कोई ना करे ऐसे लगता है, तो वो नारियल बाहर रखने का, डू नॉट डिस्टर्ब के लिए। देन इन्होंने डेली बेसिस पे बोले कि पानी लाइक कॉफ़ी चाय ये रिफिल होता जाएगा, वो सब फ्री है, इंक्लूडेड है इसमें। देन ये सब चीज़ भी इंक्लूडेड है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लॉकर है कीमती सामान रखने के लिए। देन हेयर ड्रायर भी है, देन ये रखने के लिए चीज़ें, सबसे मेन चीज़ पूरा समंदर पे है, इसके लिए लाइफ जैकेट इम्पोर्टेंट है, 2 दिए कपल के हिसाब से। देन टॉवेल्स, इमरजेंसी लाइफ जैकेट एडिशनल दिया है। देन इधर आते हैं, तो ये है अच्छा खासा बेडरूम। अरे बाप रे, डिज़ाइन देखो उन्होंने, आज मेरा बर्थडे है तो उन्होंने डिज़ाइन बना के रखा है बेड पे, हैप्पी बर्थडे का। और ये बड़ा सा टीवी दिया है बहुत सारी लैंग्वेज में, और इसमें मेरे वाइफ का नाम दिख रहा है, वाइफ के नाम पे रजिस्टर था। अब सबसे मेन बात द व्यू, ओह माय गॉड, व्यू देखो
का पैसा वसूल। क्या सुकून है पूरा। और नीचे देखो आप, पानी इतना क्लियर है, यहाँ से देखोगे पूरा पानी इतना क्लियर है, पूरा नीचे का सब दिख रहा है। तो शायद मछली भी आ जाएंगी, फिलहाल तो नहीं है, बट कहते हैं शाम के वक्त में और सुबह मॉर्निंग पे वक्त में आपको बहुत सारे फिशेस देखने को मिलेगी। हम जब आए थे वहाँ पे जेटी पे, तो वहाँ पे बेबी शार्क भी देखने को मिले थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। बट अभी फिलहाल हमारे विला के बाहर तो नहीं दिख रहे, बट देखते हैं शाम तक। सो ये यहाँ पे दो बेड्स लगे हैं, देन यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। देन और एक है, अभी ख़त्म नहीं, यहाँ से यहाँ आने के बाद ये है असली पार्क, हिज एंड हर बेसिन। देन बहुत सारे देख सकते हो आप, इंटीरियर अच्छा खासा बनाया है। और मजे की बात ये है, यहाँ इसको कैसे ये है फेमस जकूजी वाटर विला, जिसके लिए फेमस है। तो ये है जकूजी, जो खुद का प्राइवेट है, यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम हम बैठ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसकी बात नहीं करो, इसके सामने अगर आप देखोगे तो ये सबसे बेस्ट है, डायरेक्ट ओशन में जाने की एंट्री। यहाँ पे सीढ़ियाँ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ओशन में एंट्री कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है ये वाटर विला की। और वहाँ से आने के बाद अगर आपको रेत या कुछ लगा है पैर पे, तो ये यूज करके आप उसको साफ कर सकते हो और फिर सीधा वहाँ पे शॉवर कर सकते हो। ये अच्छा है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लू वाला फिश दिख रहा है, कितना बड़ा है, कितना क्लियर है। यहाँ पे भी है एक, बाप रे बाप। और मैंने कुछ कुछ वीडियो में देखा था ये जो लकड़ियाँ है वहाँ पे क्रैब्स भी चढ़ के आते हैं, फिलहाल तो नहीं दिख रहे, बट देखते हैं। ये देखो वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे एक छोटा सा क्रैब है ये वाले सेक्शन में। मैं भी बाद में कुछ बड़ा वाला क्रैब आया तो मैं जूम करके दिखाऊंगा। तो ये है हमारा मालदीव का जकूजी वाटर विला। तो इसमें हम अगले 4 दिन रहने वाले हैं, और भी बहुत कुछ है इस मीरू आइलैंड पे, जो कि आपको आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और सबसे मेन बात, शाम को जो भी हम डिनर पे जाने वाले हैं वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। स्टे ट्यून्ड।